लोग को मालूम हुआ टीवी के द्वारा, डी फोकस के द्वारा, जिसके द्वारा सुनने के बाद एक मानवता के नाते एक मदद करने का जिज्ञासा हुआ। सबसे पहले तो डी फोकस के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिली। हिमांशु जी ने जो यह कार्यक्रम लोगों को दिखाया है, ये मानवता से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं है और मानवता से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। अगर चास बोकारो का हर आदमी अगर थोड़ी सी अगर आगे बढ़ जाए तो इनके कोई कष्ट बहुत बड़े भी नहीं हैं, उसको लोगों को लेकिन अपने तरीके से लेना होगा, इनकी भावना को लोगों को समझना होगा। क्योंकि हिमांशु जी जैसा कल बता रहे थे, लोगों ने डी फोकस के माध्यम से भी देखा है कि यह दुर्घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। ये बात सच है, तकलीफ तो हर इंसान के पास आता जाता रहता है, लेकिन हर व्यक्ति को थोड़ा सा जागरूक होना होगा। अगर हर व्यक्ति चाह ले, अगर उसके अंदर मानव संवेदना अगर थोड़ी भी अगर है तो व्यक्ति आगे बढ़कर आगे आए। और हम लोग NM मेमोरियल एकेडमी चास की ओर से आए हैं। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो पीड़ा है, हम लोग इनकी पीड़ा को समझते हुए तत्काल अगर हर आदमी आगे बढ़ता है, हम लोग अपने तरफ से एक प्रपोजल भी लेकर आए हैं इनके दोनों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का, और इनकी योग्यता के अनुसार जो है इनको हम लोग अपने स्कूल में एक जॉब भी हम लोग दे देंगे। फोकस के माध्यम से इस परिवार के दुखद घड़ी का जो सूचना मिला, मिलते ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये बहुत अच्छा काम है, सामाजिक काम है, लोगों को इस तरह आगे बढ़ करके आगे आना चाहिए। और जितने भी लोग आकर के मदद किए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इसमें आवें, और डी फोकस को मुख्य रूप से बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह के संकट की घड़ी में इस परिवार को एक सहारा के रूप में अपने आप को खड़ा किए हैं, और उनके माध्यम से इतने लोग इनको इस परिवार को सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। इनका एक्सीडेंट का हमको हिमांशु के चैनल के द्वारा पता चला, चूँकि बगल में ही हम रहते हैं 1-073 में, तो हमसे रहा नहीं गया, हम बच्चों के साथ आए हैं उनको मदद करने के लिए, जो हमने चाहा जितना हुआ मदद, और बाद में भी हम उनको करते रहेंगे। आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई के तू भी बिछड़ के दे, ओ आसमान वाले जमीन पर दे। होती है क्या जुदाई कि तू भी छड़ दे, ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। कहा जाता है, कहावत है कि अंत भला तो सब भला।
करीबन 24 घंटे से हम इस मुहिम को चला रहे थे और बोकारो जिले के तमाम माओ ने, भाइयों ने, मजदूरों ने एक होकर हमें जमकर साथ दिया। हमें बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि गरीबों ने रो रो कर इस बोकारो जिले से 60,000 रुपया आज हमें भेजा है। 60,000 रुपया जो राशि है, मैं उनकी पत्नी को उनके हाथों में दे रहा हूँ। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देख ले कि आपकी पैसा अमानत की तरह इस महिला के हाथ में करीबन 60,000 रुपया जा रहा है, जिसका डिटेल थोड़ी देर बाद डी फोकस चैनल पे आने लगेगा कि किस व्यक्ति ने क्या दिया है। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो बोकारो ज़िले में इस चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे थे, और जो लोग आए उनका धन्यवाद, जो लोग नहीं आ पाए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमें दुआओं में याद रखा है। आप लोगों ने टेलीफोन कर जो आंसू बहाया है और जो कहा हमसे कि हिमांशु जी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो हम आपसे जरूर कहना पाएंगे मजबूरियों को, बंधन को कभी ना कभी जरूर तोड़िएगा। दूरियां कितनी भी रहे मोहब्बत जरूर बनाकर रखिएगा। अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति मरीज हो तो उसे ये पैसा जरूर दे दीजिएगा, हम समझेंगे कि आपने एक और गरीब का मदद कर दिया है। तमाम बोकारो स्टील सिटी के उन मजदूरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर नटखट में काम करने वाले तमाम मजदूरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने मानवता का परिचय दिया है। कई संस्थानों के लोग भी मुझे फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि हिमांशु जी मेरा सैलरी 7 तारीख को मिलेगा, मैं उस दिन जाऊँगा। तो मैं बताऊँ आपको कि मदद के लिए वक्त और तारीख नहीं देखा जाता है, दिल में जज्बा होना चाहिए, आप कभी भी मदद कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मुहिम समाप्त हो रहा है, हम बहुत दूर तक इस फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन देख रहे हैं वो तुरंत कलम और कॉपी उठा ले, और मैं बता रहा हूँ 2B G Road Quarter Number 1-003। फिर से अगर लिखना चाहते हैं तो 2B 1-003 G Road। इस जगह पर आकर इस महिला को आप मदद कर सकते हैं। अब डी फोकस आपके साथ है, आपके दुआओं में है, और अगले हम मुहिम में आपसे मिलेंगे। और लेकिन साथ ही साथ बोकारो स्टील सिटी के तमाम उन लोगों को कह देना चाहते हैं जो लोग इस समय टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, हम जरूर ये कहना चाहेंगे, हम जानते हैं कि कल से आपका टेलीफोन बजे, हमारा टेलीफोन बजेगा और हम आप हमसे कहेंगे कि हिमांशु जी हमें भी मदद की आवश्यकता है। हम आपको बता देते हैं कि जब तक डी फोकस और जब तक हिमांशु है, हम हर उस घर पर पहुंचेंगे जिस जगह पर जाना मुमकिन होगा।
आसमान वाले जमी पर उतर के दे, ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई के तू भी बिछड़ के दे, ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। होती है क्या जुदाई के तू भी आसमान वाले जमी पर उतर के दे। जय झारखंड, जय एमएम जिंदाबाद। माय माटी और मानुष की नहीं मिटेगी हस्ती, सीएनटी एसपीटी एक्ट की होगी रक्षा, नहीं उजड़ेगी कोई बस्ती।